हाय बच्चों, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने एनएसजीएस सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। जो प्रयास सीरीज है इसके अंदर हम एनएसजीएस फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने कुछ चीजें कवर करी थी। अगर आप लोगों का ये पहला सेशन है मेरे साथ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रयास सीरीज का जो इससे पहले सेशन हुआ था वो जरूर देखें और इस सीरीज को कंटिन्यू करें। उसमें मैंने बताया था कि इस सीरीज से आपको किस तरह का बेनिफिट हो सकता है। मैं कुछ चीजें रिएट्रेट कर देता हूँ। प्रयास सीरीज के अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इसी ऑर्डर में कवर करेंगे। और यहाँ YouTube पे आपको इन सब के ऊपर थ्योरी कंटेंट भी मिलेगा और मैं मेरे सेशंस के अंदर आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, यानी कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी दूंगा जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस से करेंगे हम। अभी हम ये वाला चैप्टर जो बेसिक मैथ्स है उसको हम कर रहे हैं और बेसिक मैथ्स के अंदर हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से अभी हमारा ये वाला चैप्टर रनिंग है और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ चीजें देखी थी, आज हम उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में हमने क्या देखी थी? मैंने एंगल्स के बारे में बताया था, एंगल्स और क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, टी रेशियोज, टेबल ऑफ कॉमन एंगल्स मैंने बताए थे, आइडेंटिटीज, और 90 डिग्री से बड़े एंगल्स का अगर साइन कॉस टैन निकालना हो तो क्या करना होता है वो हमने देखा था। अब हम इसके आगे की कहानी, यानी कि ये जो तीन चीजें हैं ये आज के सेशन में करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एनएससीजीएस रैंकर्स बैच के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और इस बैच के अंदर जो क्लासेस होती है वो वेदांतु का जो वेव प्लेटफॉर्म है उस पर होती है। इसके अंदर टीचर से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। फिजिक्स में मैं ही पढ़ा रहा हूँ और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है। ठीक है, इस बैच में आपको 150+ लाइव सेशंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जो शेड्यूल रहेगा जनरली वो ये रहेगा कि 2 सेशंस ऑफ फिजिक्स, 2 ऑफ केमिस्ट्री, 2 ऑफ बायोलॉजी पर वीक। जनरली इससे ज्यादा नहीं हो जाते हैं क्योंकि टीचर्स जनरली एक्स्ट्रा क्लासेस शेड्यूल कर ही लेते हैं। ठीक है, आपको रेगुलर टेस्ट भी मिलेंगे और आपकी ऑब्वियसली हम लोग गाइडेंस तो करेंगे आप लोगों की। आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें कि आप बाकी बच्चों से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको टीचर्स भी एड्रेस करेंगे क्योंकि टीचर्स भी उस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सैम क्या होता है? सैम इज स्टूडेंट्स अकेडमिक मेंटर। तो देर विल बी अ पर्सन हु विल बी कनेक्टेड विथ यू एंड आपकी अगर वेदांतों में किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये पर्सन आपकी समस्या को सही पीपल, सही लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तत्व हम लोगों का जो मॉड्यूल होता है वेदांत में, जो कंटेंट बुकलेट्स होती है उनको तत्व कहा जाता है। इनकी सॉफ्ट कॉपीज आपसे शेयर होगी और इस बैच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो होगा इंग्लिश, यानी कि जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश एज पर माई कन्वीनियंस। सो इस तरह का इसमें रहेगा। तो इससे हमने देखा है कि बच्चों को समझाने में काफी आसानी रहती है अगर टीचर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से लैंग्वेज स्विच करते हैं। तो ये बैच की हाइलाइट्स है और इस बैच की जो प्राइस है, इस बैच की प्राइस है 4,444 रुपीज, लेकिन आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड VUSPRO। ठीक है, ये आप कोड यूज करिए और इस बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे क्लिक करके इस सेशन को ज्वाइन इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद टुडेज एकेडमिक पार्ट ऑफ द सेशन। तो आज हम सम और डिफरेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूले हैं ये? मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आपको ये चीजें याद करनी होंगी। ठीक है, तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट अमिनट बच्चों। हाँ जी, तो जो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे ए एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी भी एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से हेल्पफुल होने वाला है उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। और ये फॉर्मूला हमारे मैथमेटिशियन दोस्तों ने हमें बता दिया है और हमें इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यूजफुल किस तरह से होगा मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमको साइन ऑफ 75 डिग्री निकालना है। ठीक है, अब ये ऐसा फॉर्मूला है या ये ऐसा एंगल है जो स्टैंडर्ड रेगुलर हमारी टेबल्स का पार्ट नहीं होता है। जो टेबल मैंने प्रीवियस सेशन में दिखाई थी, जो मैंने आपको कहा भी था कि आप लोगों को याद कर लेनी है, उसमें ये एंगल नहीं था। लेकिन अगर हमें मान लो कभी साइड 75 डिग्री की जरूरत पड़ गई तो नोटिस करो कि ये जो एंगल दे रखा है ये हम दो ऐसे एंगल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, यानी कि ये वो एंगल्स हैं जो हमारी टेबल में थे और जिनकी वैल्यूज हमने याद करी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं 30 और 45 डिग्री का सम कर दूंगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने ये बात नोटिस करी, अब मैं देखो इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए यहाँ पे 30 डिग्री है और कॉस ऑफ बी 45 डिग्री है। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ए, अब ए 30 डिग्री है और साइन ऑफ बी 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 30 हम जानते हैं, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, और कॉस 45 हम जानते हैं 1/√2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री ये हम जानते हैं √3/2 होता है
और साइन 45 डिग्री, ये हम जानते हैं 1/√2 होता है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर जो है दोनों में ही 2√2 है, ठीक है, तो ये 1+√3 बन जाएगा, ये देखो आ रहा है समझ में। तो हमने अब क्या किया, हमने साइन 75 डिग्री को पता लगा लिया इस सम फॉर्मूले को यूज करके। तो ये इस तरह के फॉर्मूले की यूटिलिटी है। तो ये मैंने भी आपको साइन ए प्लस बी बताया है, इसी तरीके से हम कॉस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल ये मैंने सही लिखा है, इस पर ध्यान देना कि कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमको बोला जाए कि आप टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो टैन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैन ए प्लस टैन बी, वो होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी, तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये सम है कि दो एंगल्स का सम करके बाद उसका साइन लेना है, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑल्सो, और वो इनफैक्ट इसी फॉर्मूले में अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं माइनस बी से, यानी कि जहां जहां पे बी लिखा हुआ है उसकी जगह अगर मैं माइनस बी लिख दूं तो अपने आप ही फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन ए माइनस बी, तो बी की जगह पे मैंने माइनस बी लिख दिया, यहाँ पे भी अगर मैं बी की जगह पे, यहाँ पे बी की जगह पे अगर माइनस बी लिख दूंगा, तो नोटिस करो कि कॉस ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा एक ही बात होती है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने प्रोसेस सिखाया था पिछले सेशन में, उसको अगर आप करके देखोगे, यू विल डिस्कवर कि कॉस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह पे माइनस बी डालोगे तो साइन ऑफ माइनस बी ये माइनस साइन बी के बराबर होता है, तो माइनस साइन आ गया। तो इसी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सीधे फॉर्मूले बताता हूँ, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये चेक करो, ठीक है। तो अगेन वापस से रिटर्न कर देता हूँ, माइनस साइन यहाँ पर है तो यहाँ प्लस साइन आता है, कॉस के अंदर ऐसा ही होता है। और अगर टैन ए माइनस बी निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा टैन ए माइनस टैन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो आपको ये फॉर्मूले याद करना है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, लेकिन आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी काम में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम में आएंगे, लेकिन हाँ जब काम में आएंगे तो उस समय ऐसा, अगर मैं उस समय ये फॉर्मूले बताने बैठूंगा, ठीक है, तो फिर हमारा जो जो भी चीज हम सीख रहे होंगे उसका फ्लो ब्रेक होगा, तो दैट वी डोंट वॉन्ट, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, और ये कैसे यूज होता है मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखना चाहेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे, ठीक है, वी कैन से कि लेट्स टॉक अबाउट, जैसे इसमें देखते हैं, देखो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, तो नोटिस करो कि ये प्लस कॉस ए साइन बी और ये माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम एक फॉर्मूले की तरह से बना सकते हैं, जैसे ये बन जाएगा 2 sin A cos B, 2 sin A cos B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये चेक करो, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई कभी, मतलब ये कहाँ पे काम में आता है, जैसे अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट है, सपोज वो प्रोडक्ट साइन और कॉस का है, कि साइन ऑफ वन एंगल एंड कॉस ऑफ अनदर एंगल, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, और हम इन प्रोडक्ट को हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में स्प्लिट करना चाहते हैं। मतलब नोटिस करो कि यहाँ पे साइन और कॉस का प्रोडक्ट था, यहाँ पे केवल साइन प्लस अनदर साइन है, तो इस तरह की हमें कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ पे काम में आएगा, जहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये 2 cos A cos B हो गया, ठीक है, इसी तरीके से 2 sin A cos B, इसी तरीके से 2 cos A cos B अगर मैं निकालूंगा कैसे आएगा, ये नोटिस कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसको और इसको दोनों कॉस वालों को ऐड कर दूंगा, तो ये माइनस साइन ए साइन बी और ये प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो एक साइन और एक कॉस के प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, दो कॉस के प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, वॉट इफ अगर दो साइन का प्रोडक्ट हो, साइन ए और साइन बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो दो साइन का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था, तो अगर मैं इसमें से, ठीक है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा, माइनस करने से ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर तुम करना ही चाहते हो, मान लो तुम कॉस ए साइन बी भी करना चाहते हो, हालांकि इसमें फर्क नहीं है, देखो ये दोनों फॉर्मूले में ए और बी इंटरचेंज हो गए, कुछ भी नहीं है, ठीक
ठीक है, लेकिन इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी रहेगा कि हम लिख देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आया कि जैसे अगर मैंने इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया होता, ठीक है, तो ये कैंसिल होके और ये ऐड हो जाते, ठीक है, तो ये बन जाता। तो ये एक और कैटेगरी है फॉर्मूले की, जो आप लोग अगर याद कर लें तो आपको बेनिफिट हो सकता है, काफी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा करने का मतलब, मान लो हमको साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी दे दिया गया, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलग अलग एंगल के, उनको ऐड करके है, लेकिन हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू, ठीक है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो हम कॉस ए प्लस कॉस बी लिखना चाहते हैं, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी लिखना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू। ठीक है, दिखा रहा है समझ में, ठीक है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, यहाँ पे हमने साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया था, कॉस ए प्लस कॉस बी लिख दिया है, अगर मान लो हम साइन ए माइनस साइन बी की बात करें, तो ये बन जाएगा टू कॉस ऑफ ए, सॉरी इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए ही लिखता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू साइन ए माइनस बी बाय टू और कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, देखो आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया, तो ये हो जाएगा टू साइन बी माइनस ए बाय टू, ये नोटिस करो ये बी माइनस ए है, ठीक है, और साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू। तो ये सारे फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सम लिखा है, ठीक है, फिर डिफरेंस लिखा है, फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को कैसे स्प्लिट करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम में लिखना है वो लिखा है, और फिर अगर हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम दे दिया जाए तो कैसे उसको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये हमने सीखा है। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले है आपके लिए। ठीक है, अगेन ठीक है, ये इसमें कोई एग्जाम्पल्स वगैरह अगर हम करके देखना चाहें, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको sin 75 निकालना सिखाया था, सपोज अगर हमसे कहा जाए कि tan ऑफ 15 डिग्री निकालो, तो देखो अगेन 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 माइनस tan 30, ये लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, तो ये बन गया √3 माइनस 1/√3, √3 + 1, और इसको तुम फर्दर रैशनलाइज करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो मैं √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं, ठीक है, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 - √3/2, तो जो आंसर होगा वो होगा 2 - √3 का, ठीक है, तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं को एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं सम फॉर्मूले में ए और बी को इक्वल डाल दूं, तो ये देखो डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमने लिखा था, अगर मैं ए और बी को इक्वल डाल दूं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos b, cos a, चेक करो, जैसे ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो 2 sin a cos a हो गया। ठीक है, तो ये अगेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो डबल एंगल फॉर्मूले में दिस इज द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन इज cos 2a, अगेन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में ए और बी को इक्वल डाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में, और कॉस स्क्वायर ए को देखो ये जो आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो मैं वहां से अगर कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दूं तो ये 1 - 2 sin² a में भी कन्वर्ट हो जाएगा,
और सिमिलरली अगर मैं साइन को रिप्लेस कर दूं तो ये 2 cos² a - 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल है, ये वाला फॉर्मूला स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये तो आप बिल्कुल ही मत भूलना, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे हम tan 2a को भी कन्वर्ट कर देंगे, मतलब tan 2a का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 tan a / 1 - tan²a, ठीक है। तो मैं वापस बताता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका रीजन है मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वैसे तो आपको ये सारे याद करना है जो भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं, और ये सारे के सारे फॉर्मूले उस एक पीडीएफ में अवेलेबल होंगे, जो पीडीएफ मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक थ्योरी पीडीएफ होगी, एक और कुछ पीडीएफ होंगी जिनमें क्वेश्चन होंगे, तो आप उन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज, अब ये क्या चीज होती है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सपोज हमने एक, मान लो एक ट्राइंगल दिया गया, तो पहले तो ट्राइंगल की नेमिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो ट्राइंगल के ये जो 3 कोने होते हैं इनको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स इज सिंगुलर, वर्टाइसेस इज प्लूरल, ठीक है, तो इनको हम वर्टेक्स कहते हैं, दिस इज सिंगुलर एंड वर्टाइसेस इज प्लूरल। तो वर्टाइसेस की जो नेमिंग होती है वो कैपिटल लेटर्स में की जाती है, सपोज ए बी और सी इस तरह से, ठीक है। और अब देखो बी वर्टेक्स के ऑपोजिट एक साइड है, जैसे वो साइड है एसी, एसी इसको कहते हैं ट्राइंगल की साइड, तो बी के ऑपोजिट जो साइड है उसकी नेमिंग स्मॉल बी कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये स्मॉल बी से रिप्रेजेंट हो रही है, इसी तरह से ए के ऑपोजिट जो है उसको हम स्मॉल ए नाम दे देंगे, ठीक है, और सी के ऑपोजिट। तो ये जो तरीका है ये कॉमन तरीका है जो बुक्स के अंदर, मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर यूज किया जाता है ट्राइंगल की नेमिंग का, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्राइंगल से रिलेटेड आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिनको हम यूज भी करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल से रिलेटेड हमें 2 चीजें सीखनी है, एक को हम कहते हैं साइन रूल, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है मैं बताता हूँ आपको। तो अगेन मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल बना लेता हूँ, ट्राइंगल में इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, मतलब कि ये कोई स्पेशल ट्राइंगल के लिए वैलिड है ऐसा नहीं है, ये जनरली वैलिड है, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी बी, और ये लेंथ हो जाएगी सी, और ये लेंथ हो जाएगी ए। मान लो ये एंगल, इसका एंगल को हम ए नाम दे देते हैं, तो जो वर्टेक्स है उसी को एंगल का नाम भी दे देते हैं। तो साइन रूल कहता है कि साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय साइड बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड सी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अगेन वेरी वेरी यूजफुल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कहा जाता है साइन रूल, ठीक है, इसको साइन रूल कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी ट्राइंगल के लिए देर इज अनादर रूल विच इज कॉल्ड द कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत काम का भी है, बहुत काम में आने वाला है। कोसाइन रूल कहता है कि अगर आप कॉस ऑफ ए लिखना चाहते हैं, जैसे ये एंगल, ये ट्राइंगल राइट एंगल तो है नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें दिक्कत नहीं होती, हम कॉस को लिख देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो कॉस ऑफ किसी एंगल कैसे निकालें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c² + b² - a² / 2bc। ये ना यहां से याद करने से फिगर से याद करते हैं, जिस एंगल का कॉस लेने को बोला गया है वो एंगल देखो दो साइड से मिलकर बना होगा, तो उन दोनों साइड्स के स्क्वायर को ऐड कर देना है, तो देखो b² + c, सामने वाली साइड का स्क्वायर को माइनस कर देना है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट (n)² ये आ जाएगा। तो इस फिगर से याद रखो, इसको फिगर से याद रखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ 5 है, ये वाली लेंथ मान लेते हैं 6 है, ये वाली लेंथ मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई मुझे, मैं वो भी बता दूंगा। तो ये तो मैंने आपको साइन रूल और कोसाइन रूल बता दिया है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या होती है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये चलो पहले हम या मैं चलो कोसाइन रूल को यूज करना दिखा देता हूँ। सपोज अब मुझसे कहा गया कि इस एंगल का कॉस निकालो, कॉस ऑफ ए निकालो, तो जिस एंगल का निकालना है वो जिन दो साइड से बनी है उनका स्क्वायर, यानी कि 5² + 7² - 6² / 2 × 5 × 7, तो ये कैलकुलेशन हम पूरी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 25 + 49 - 36 / 70, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो आ रहेगा समझ में, मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो आप पूरी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको वो भी ट्राई करने हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ये सब आपको याद रखना है। अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज क्या होती है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ मान लेते हैं बी है, और ये साइड लेंथ सी है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक
है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। इक्वालिटी तब आती है जब ये ट्रायंगल जीरो एरिया का हो जाए, ठीक है। यानी कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि ए प्लस बी श्योरली सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी श्योरली ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी श्योरली बी से बड़ा होगा। ये दिस इज व्हाट दिस इनइक्वालिटी से। और ये एक देखा जाए तो ऑब्वियस ही बात है ना, सपोज तुम ए से सी तक जाना चाहते हो और मैं तुमसे कहूंगी तुम शॉर्टेस्ट पाथ पे जाओ, तो तुम स्ट्रेट लाइन पे ही तो जाओगे। तो अगर ए से सी तक जाने के लिए इस दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कहीं भी और से घूम के आता, मैं अगर ऐसे जाके और फिर ऐसे आता, तो मैं ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा होता। ये तो मतलब हो गया इसका, तो बस यही कह रही है ट्रायंगल। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। इस बात का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि सपोज मैंने तुमसे कहा कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी साइड लेंथ है 2, 5 और 10, मैंने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इन नंबर को देखते ही तुम डिक्लेयर कर सकते हो कि नहीं ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, जो मतलब जिसमें साइड 2, 5 और 10 हो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये नंबर क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई से भी दो नंबर को ऐड करने के बाद भी अगर तुम ये डिस्कवर करते हो कि तीसरा नंबर अभी और बड़ा है, ठीक है, तो यानी कि इन तीन लेंथ का ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है बनाना, ठीक है। तो ये तो हो गई एक चीज। एक और दूसरी बात यह है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, विल ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। इक्वालिटी कब आती है, जब जीरो एरिया, यानी कि इक्वालिटी तब आएगी जब मान लो मैं ट्राइंगल ऐसा हो मेरा, समझ में आ रहा है कि जीरो एरिया का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड का मतलब ए माइनस बी, इसका मॉड ले लेते हैं, मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे हम, ठीक है, दिस विल बी लेस देन सी, बी माइनस सी विल बी लेस देन ए डेफिनेटली, एंड ए माइनस सी का मॉड विल डेफिनेटली बी लेस देन बी, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज है, ये काफी काम में आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज के सेशन में आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारा का सारा आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपसे क्वेश्चन के असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, उनको प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा उनसे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें कर यू विल गेन एन एडवांटेज और यू विल गेन एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। अभी अभी आप एनएसजेस की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप कोई कुछ बच्चे जेई की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपके बहुत काम में आने वाली है जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुन लेना। साइन रूल और कोसाइन रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने करे थे, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, आई होप आपका सेशन आपको मजा आया इस करके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक मैथ का कोई डिफरेंट टॉपिक पिक करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड अगर आपको इस सेशन बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको इस पे कमेंट्स भी करिए, मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने सेशंस को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो इस सेशन को भी नहीं देख रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो करें, प्रयास सीरीज को फॉलो करें, इससे आप सभी को बहुत फायदा होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लीजिए। बाय बच्चों।